बाजी कैसे हैं आप? फिट एंड फाइन। मैं आज बड़ा खुश हूं बाजी। क्यों? बिकॉज आज मेरी मैगजीन में जो इंटरव्यू देने के लिए आ रहे हैं, हाँ, वो शख्स हैं जिन्होंने बॉलीवुड में एंट्री ली दो मोटरसाइकिल पे पैर रख के बैलेंस बना के। हाँ। उसके बाद उन्होंने दो कारों पे पैर रख के बैलेंस बनाया और हाल ही में उन्होंने दो घोड़ों पे पैर रख के बैलेंस बनाया। सरदार खुश हुआ। हमने उनकी एंट्री को ध्यान में रखते हुए एक बड़ी क्रिएटिव एंट्री दी है उनको। उसी एंट्री को मद्देनजर रखते हुए आज वो अपने ही दो पैरों पे बैलेंस बनाते हुए आ रहे हैं कॉमेडी नाइट्स में। जोरदार तालियों से स्वागत कीजिए बॉलीवुड के सिंगम अजय देवगन जी का। जोरदार तालियां एक बार हमारे बॉलीवुड के सिंगम के लिए। आग के समंदरों से वो चल के आया है, आसमां के शिकंजे से वो निकल के आया है। देखो मेरे घर को रोशन करने आज अजय नाम का सूरज खुद चल के आया है। क्या बात है। इधर अजय देवगन पाजी, उधर सिद्धू पाजी, कितने सारे पंजाबी हैं हमारे साथ। मैंने जैसे अजय पाजी ने एंट्री ली ना सन ऑफ सरदार में घोड़ों पे, बेसिकली उसके पीछे ये भी फंडा था इनका, एक पंजाबी आदमी ना घोड़े पे बैठ के बड़ा अच्छा लगता है। मैंने कहा अगर ये मुद्दा सब पंजाबी में लागू हो जाए, मैं पंजाबी, आप पंजाबी, ये पंजाबी, हमारे पीएम साहब पंजाबी हैं, तो सोचो कैसा लगे सिद्धू पाजी घोड़े पे शूटिंग पे आ रहे हैं। तो मैं सिद्धू पाजी को फोन करूंगा, पाजी कहाँ हो? अरे यार ये कैसा घोड़ा दे दिया तूने, करेक्टर लूज घोड़ा, और रास्ते में किसी की बरात जा रही है, घोड़ी सजी हुई देख के वहीं पे बिफर गया यार। घोड़ा लाइन मार रहा। घोड़े ही लाइन मारते हैं। अरे भाई आपने गोलमाल जैसी कॉमेडी सीरीज में, हिट सीरीज में काम किया एक कॉमेडियन के तौर पे, आपने सिंगम जैसी एक्शन फिल्म में एक ईमानदार अफसर का रोल किया खतरनाक एक्शंस के साथ, फिर आपने ओंकारा कंपनी जैसी फिल्मों में एक डॉन के करेक्टर निभाए, उसके बाद आपने शहीद भगत सिंह में एक देशभक्त का किरदार निभाया। तो इतने सारी वर्सेटाइल रोल के बाद सडनली कैसा लग रहा है कॉमेडी नाइट्स विद कपिल में आके? मुझे लग रहा है और बहुत अच्छा लग रहा है, because I'm watching more as an audience and laughing instead of performing. Thank you. एक बार जोर-जोर ताली बजाने के लिए मैं चाहता हूं कि आप प्लीज बैठ जाइए। जो अजय जी के चाहने वाले हैं, जो उनसे बात करना चाहते हैं, कोई सवाल करना चाहते हैं, वो एक एक करके अपना सवाल पूछ सकते हैं। जी जी सर। या, तू तो पहले ही बेहाल। सर माय नेम इज रवि। जी रवि जी, मैं ये पूछना चाहता हूँ सर, अभी इन्होंने 44 बर्थडे बनाया और आई एम जस्ट 40 ओनली, ये इतने फिट कैसे हैं? यार मैंने सबको मैंने सबको 42 बोला हुआ था, घर पे 42 बोला हुआ, आपने मेरी पोल खोल दिया। और वैसे भी हमको इतना टाइम नहीं मिलता आप जैसी बॉडी बनाने का, तो थोड़ी तकलीफ होती है। क्या करते हैं रवि जी आप? मैं प्रॉपर्टी का बिजनेस करता हूँ। प्रॉपर्टी का बिजनेस करते हैं? Yes. तो ये इतनी प्रॉपर्टी बैठे बैठे बनाई है? फैमिली के साथ आए? हाँ जी हाँ जी। कहाँ आपकी फैमिली? वो उधर बैठे। इतनी दूर क्यों बैठा? कितने साल हुए आपकी शादी को? मेरी 24 साल। 24 साल में कोई 2400 फीट का फासला आ गया। 22 साल। ये प्यार देख लो, उनको याद ही नहीं है। भाभी जी को माइक दीजिए जरा, व्हाट्स योर गुड नेम भाभी जी? वंदना। वंदना जी इतना दूर क्यों बैठी हुई हैं आप? उनको इतनी स्पेस मत दीजिए, तभी तो बढ़ते जा रहे हैं। थैंक यू रवि जी। वैसे आपका प्रॉपर्टी का बिजनेस, एक बात कहनी चाहूंगा। Yes. आपकी प्रॉपर्टी काफी ब्यूटीफुल है। थैंक यू। अरे भाई आपको याद है अपने कितने हो गए आपकी? जी याद है। सोच रहा हूँ। 12 साल। 12 साल। यही हमने काजोल मैडम से पूछा था ना, उन्होंने एग्जैक्ट बताना था इस डेट को हुई थी शादी, इतने बजे हमने फेरे किए थे, इतने बजे जयमाला हुई थी। लड़कियों को ये चीजें याद रहती हैं। चलिए कोई बात नहीं, हम ये चीजें चलाएंगे नहीं कि आपने सोच के बताया, ताकि घर जाके नहीं आप चला दीजिए। जोक सपाट, सीरियस कॉमेडी करेंगे। और हमारे कोई दोस्त जो अजय सर से अपने कोई दिल की बात करना चाहता। अरे वाह मोहतरमा, आओ मेरे से तो कभी पूछा नहीं सवाल है। मेरा नाम नम्रता है
आपने आज तक अपनी फिल्म्स में इतने सारे हीरोइंस के साथ काम किया है, उन सब में से किनके साथ काम करने में आपको सबसे ज्यादा मजा आया? जिनके साथ उनको बड़ा मजा आया काम करके, वो तो घर ले गए उनसे शादी कर ली लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि दूसरों के साथ मुझे मजा नहीं आता, बस उनको घर नहीं ले जा सकता जी और कोई हमारे दोस्त जी? वाह भाई कांदी पहलवान। हेलो अजय सर, मेरा नाम उमिक है, मैं आपके लिए एक गाना गा सकता हूँ? खड़का गए। गाना गाना चाहता हूँ मतलब। प्लीज देख लो, गा लो, बस वीकनेस ना आए बस। थैंक यू सर जी, गाते बहुत अच्छा है लेकिन बॉडी इतनी छोटी है, प्राण बेचारे अंदर प्राण वगैरह उड़ गए हमारी बॉडी से, प्राण रे बॉडी तो है नहीं, प्राण जेब में रखा कर क्या बताया नाम अपने ब्रदर? उमिक। उमिक, उमिक क्या करते हैं आप? मैं TYBCOM में पढ़ता हूँ अभी तो। कहाँ पे? कॉलेज में। कॉलेज में पढ़ते हैं आप? आपको वहां पे मिड डे मील मिलता है? नहीं मिलता है। मेरी हमारी सरकार से गुजारिश है कि सिर्फ 5 साल के बच्चों तक को नहीं, उसके बाद भी कईयों में कमी रह जाती है। आप कॉलेज और यूनिवर्सिटीज में भी मिड डे मील की प्रथा शुरू होनी चाहिए। दबा के खाया करो, सोचा ना करो आप, ठीक है? जो आए रगड़ दिया करो बस। ये मैं तो कहता हूँ चाय में माइक डुबो के खा जाओ, जो आए खा जाओ बस। चलिए थैंक यू उमिक, थैंक यू ब्रदर, थैंक यू सो मच। खा जाओ। और कोई हमारे दोस्त जो हलाल होना चाहता हो? सर अजय सर सलाम। सर मेरा नाम मोहम्मद अहमद है, मैं अलीगढ़ से आया हूँ। सर मैंने आपकी दीवान की फिल्म 20 बार देखी है। एक बार मैं समझ नहीं आई थी। समझ नहीं आई थी मुझे पता था यही बोलोगे। सर मेरा सवाल आपसे ये है, अक्सर मैं अवार्ड फंक्शन देखता हूँ, उसमें आप क्यों नहीं जाते? आजकल अवार्ड फंक्शन इतने ज्यादा होने लगे, अगर हम सब अवार्ड फंक्शन पे जाने लगे तो शूटिंग पे आपको जाना पड़ेगा। क्या करते हैं आप? सर मेरा मेडिसिन का बिजनेस है। मेडिसिन दवाइयों का। दवाइयों का? तो ऐसी कोई दवाई नहीं आती जो आप खाएं और ये उल्टे सुलटे सवाल आपके दिमाग में आने बंद हो जाए? मेडिकल स्टोर है आपका कि? सर होलसेल का काम है, दवाइयों का। होलसेल का? यस सर। ओक अलीगढ़ में। तो आज बॉम्बे में कैसे? सर मैं आया था फंक्शन में, एक में अवार्ड फंक्शन में। मेरे भाई की एंगेजमेंट थी वहाँ। भाई की एंगेजमेंट थी? छोटे वाले की बड़े वाले? बड़े वाले। बड़े वाले की? आपकी हो गई? अभी नहीं। हाँ मेरी भी हो गई, मेरी पहले हो गई। पहले क्यों इतना? क्या जल्दी थी? देश आजाद हो चुका, 2 साल ठहर जाते ऐसा क्यों? ऐसे लड़के होते जानबूझ के माँ बाप को तंग करते, शादी करने दिल करे ना, सीधा नहीं बोलते, चिड़चिड़े से होने शुरू हो जाते हैं। खाना खाओगे? नहीं नहीं आगे खाऊंगा वापस से। माँ बाप खुद ही करते थे ठंडा करो इसको, इसके करो इसके। चलिए शुक्रिया। थैंक यू जी। और कोई हमारे दोस्त? Oh, what a beautiful question. अच्छा लगता है शो में ग्लैमर आए ना, अच्छी जींस भी पहन की तो अच्छा लगता है। ये तो ये खड़े हो गए, हमारा दवाइयों का बिजनेस है जी। Yes, beautiful. What do you want to ask? हेलो अजय जी, मेरा नाम नीति मोखा है एंड आई एम फ्रॉम मुंबई। नीति मोखा। मोखा मुझे लगा मौका, मैंने कहा मौका मौका मिलते ही शुरू हो गई। सर मैं आपसे ये पूछना चाहती हूँ कि एंड बहुत इंटेंस है, जिसके पीछे मेरे ख्याल से सारी लड़कियां फ्लैट हो जाती है, तो सर इसके पीछे क्या राज है? आई थिंक पैदाइशी ऐसी है, तो फिर जब पैदा हुआ था तो ये ऊपर से मिली। नो नो नो। आपने कब नोटिस किया पहली बार कि इनकी आंखों में गहराई है? उनकी जो मूवी थी सिंघम, उसके अंदर उनकी काफी आंखों के ऊपर ज्यादा फ्लैश गया हुआ है। सिंघम में ही आपने आंखें देखी, बाकी में चश्मा पहन के आए थे? नो, वो मूवी में सबसे ज्यादा फ्लैश गया हुआ है उनकी आंखों में। एंड आपको इनकी आंखों में गहराई नजर आती है, तो यू वांट टू स्विम इनसाइड? नो नो, नॉट इन दैट सेंस, इट्स वेरी इंटेंस, एकदम मिस्ट्री वाली है। सो देखिए लड़कियों का आप देखिए माइंडसेट क्या होता है। सिंघम में आपने ये नोटिस किया, सिंघम में एक फिल्म थी हमारे करप्ट जो पॉलिटिशियंस हैं उनके खिलाफ, और इनका ध्यान कहाँ गया आंखों की गहराई में, इसीलिए देश तरक्की नहीं कर रहा। इतना अच्छा मैसेज था उस फिल्म में, आपको आंखों की पड़ी हुई थी है। मौका मिले तो आती रहना आप शो में, अच्छा लगता है, नाइस ग्लैमर।
थैंक यू नीति. और कोई हमारे दोस्त जी जो अरे सर से बात करना चाहते हैं जी? अरे वाह, दूर देश से हमारे दोस्त जी. बेल्ट थोड़ी नीचे नहीं पहनी हुई कमीज? छोटे भाई कितनी पहन के आ गए? पतले हो गए हो सर. दो साल पहले मिलते हो. नाभि के आगे वाला बटन देखिए सर, वो घर जाके ऊपर वाले बटन देख के पूछ रहा तेरी भी वही हालत है जो मेरी है.